नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। मैं मोहनलाल, और बात करेंगे हम किसानों को लेकर के। सीधा आपको जयसिंहपुर खेड़ा बॉर्डर पर ले चलते हैं, जहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे हैं। आपको बता दें, पिछले 7 महीनों से किसान जो है 3 अध्यादेशों की वापसी को लेकर के जो है आंदोलन कर रहे हैं, और आज राकेश टिकैत वहां पहुंचे हैं किसानों के बीच में। आपको बता दें, इससे पहले भी राकेश टिकैत एक बार आए थे, एक बार फिर किसानों में ऊर्जा भरने के लिए राकेश टिकैत आज पहुंचे हैं। और आज जब राकेश टिकैत पहुंचे हैं, मीडिया से उन्होंने बात की है, साफ तौर पर राकेश टिकैत बेहद गुस्से में नजर आए हैं। क्योंकि आपको बता रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले ही राकेश टिकैत जो है लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। उसको लेकर के जो भाजपा की नेत्री है मीनाक्षी लेखी, उन्होंने किसानों पर तंज कसा था और किसानों को कहा था कि जो ये किसान बैठे हैं, किसान नहीं है, मवाली है। तो उस पर राकेश टिकैत का गुस्सा फूट गया है। उन्होंने साफ तौर पर फिर मीडिया से बात करते हुए कहा कि जब तक बिल वापसी नहीं होगा, घर वापसी नहीं होगी, जब तक सरकार नहीं मानेगी, किसान इसी तरीके से डटे रहेंगे। साथ के अंदर आपको बता दें, जयसिंहपुर खेड़ा पर जब राकेश टिकैत पहुंचे हैं, किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। और साथ में आपको बता दें, दिल्ली हरियाणा के जो रेवाड़ी में है, दिल्ली जयपुर हाईवे पर जयसिंहपुर खेड़ा पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। उसी के बीच की भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पहुंचे। उन्होंने किसानों से जो है वार्तालाप किया है, पूरे हालात का वहां जायजा लिया है। साथ के अंदर किसानों की हौसला अफजाई उन्होंने की है, और मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ उन्होंने कहा। साथ में आपको हम ये भी बता देते हैं कि लगातार जो सरकार किसी भी तरीके से, जो राकेश टिकैत का कहना है कि सरकार चाहते है किसी भी तरीके से किसानों की छवि खराब हो, इनमें आपस में फूट पड़े, इस तरीके के षड्यंत्र जो है सरकार जो है रच रही है। राकेश टिकैत ने कहा है, अभी तो हमने 3 ही मौसम देखे, अभी 35 महीने और आंदोलन चलेगा, तो इसके लिए तैयार रहे किसान। अभी तो हमें बहुत सर्दी गर्मी और बरसात का मौसम हमें देखना है। साथ में जो बार बार सरकार की ओर से तरह तरह के किसानों पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि खालिस्तानी है, ये आतंकवादी है, ये किसान नहीं है, ये मवाली है, उसको लेकर के राकेश टिकैत में गुस्सा बेहद यानी कि देखने को मिला है। क्या कुछ राकेश टिकैत ने कहा है किसानों से बात करते हुए, क्योंकि हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जयसिंहपुर खेड़ा से, कि देखिए किस तरीके से जो राकेश टिकैत पहुंचे, किसानों का हुजूम हुआ, उमड़ पड़ा, और क्या कुछ राकेश टिकैत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है। सीधा आपको सुनवाते हैं राकेश टिकैत की ही जुबानी। किसानों से मिलने आए, यहाँ पे देखने आए, इनके छप्पर टूट गए, लोग बता रहे फंडिंग बाहर से, हमारा छप्पर गिरने का बहुत मिलेगा। हमने लोग मवाली के सरकार में बैठे भाई, हमारे झोंपड़े देख के मवाली करते हैं, वे चांदी के बर्तनों में खाना खाने वाले, हम पत्तल पर खाना खाने वाले, तो उनके तो मवाली हैं। हम बांस के झुप्पड़ पट्टियों में रहते हैं, 8-8 महीने से अपने घर नहीं गए, यहाँ पर धरना दे के बैठे हैं। सरकार जब तक बात नहीं मानेगी, वे कानून वापसी नहीं लेंगे। ये किसान हैं, ये किसान बॉर्डर से बाहर नहीं जाएगा, ये अपने गांव नहीं जाएगा। भारत सरकार जितना जल्दी मान लेगी, बातचीत को तैयार हो जाएगी, हम बात करने के लिए तैयार हैं। हमने चिट्ठी लिखी उनको संयुक्त मोर्चे में कि सरकार बात कर, लेकिन वे कंडीशनल बात करना चाहते हैं। वे बार बार कहते हैं कानून वापसी नहीं होगा, बात कर ले, ऐसे नहीं होगा। MSP पे गारंटी कानून बनाना पड़ेगा, 3 कानून वापसी लेने पड़ेंगे। बिजली अमेंडमेंट बिल है, पोल्यूशन वाला बिल है, जिंदा हम कैसे रहेंगे वो फार्मूला सरकार को बताना पड़ेगा। तो ये जो बात मवाली वाली बात कह रहे हैं, तो मंत्री ने कह रहे हैं कि हमने अपने जो शब्द है वो वापस ले लिए, तो क्या उससे एक बार जरा प्यार से ये भी बता दे कि किसके लिखने से भेजा था जी। उन्होंने तो कहा नहीं, उनको तो पता ही नहीं, वे किसानों के बारे में जानती नहीं, लेकिन किसी ने लिखा पढ़त करके दिया है। इस पार्टी में सरकार में बहुत अजीब हुआ है कि बोलने वाला कोई और है, लिखत पढ़त वाला करना और है। हमने भी कह दिया चलो भाई सॉरी फील कर लिया, कोई बात नहीं, माफ कर दिया। अरे किसान क्या लेडीजों को कोई माफ और उनसे माफी मंगवाते हैं क्या? हमने कहा कि किसी का लिखित बयान होना पड़ा। मानसून सत्र चल रहा है, अभी आप भी वहाँ पे एक संसद लगा रहे हैं, कोई समाधान या उससे कोई प्रेशर आते दिख नहीं रही सरकार, क्या आप लोकतांत्रिक तरीके में अपनी बात कहने का वो भी एक तरीका है। हम यहाँ पे भी अपना बैठे हुए अपनी बात कह रहे हैं, वहाँ पे भी संसद चल रही है, तो उसके बाहर हमने किसान पंचायत का नाम किसान संसद रखे हैं, हम चलाते हैं, 200 लोग हर रोज जाते हैं, जब तक पार्लियामेंट चलेगी
जब तक कि वो किसानों की सांसद चले समाधान को समाधान सरकार बताए कि कोई हमारे पास तो आंदोलन करने का है। भाजपा कहती है कि जो किसान नेता है उसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा है, उसकी वजह से आंदोलन खेच रहे। और वे क्यों कर रहे, वे हमें छोड़ दे, हम तो आंदोलन कर रहे, राजनीति नहीं है, राजनीति ये है तो वो छोड़ दें। हाँ वे छोड़ दें, ये राजनीति थोड़ी है, ये तो देश बचाने की नीति है कि देश कैसे बचेगा, राष्ट्र की नीति है ये, इसको राजनीति नहीं कह सकते। अगर सरकार का विरोध करना राजनीति है तो हम राजनीति तो वे करते हैं, हम तो राष्ट्रनीति करते हैं, राष्ट्र कैसे बचेगा। चढ़ूनी आपके विचार।